नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम बहुत अमेजिंग चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, बालों का झड़ना। सबको ये दिक्कत होती है, मुझे भी है, सबको दिक्कत होती है और मौसम के अनुसार ही बाल कभी कम कभी ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं एलोपेशिया। जब भी बाल झड़ता है तो हम उसको एलोपेशिया बोलते हैं, एलोपेशिया। और इस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल लेक्चर बना चुकी हूँ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का 100 बाल झड़े, इसका मतलब क्या होता है, क्या ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है या फिर कोई भारी बीमारी का संकेत है। अगर किसी भी व्यक्ति का 100 बाल झड़ता है डेली, तो हम ऐसा मानते हैं कि वो नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मल कब है? वो नॉर्मल तब है जब 100 बाल झड़ रहे हैं और वापस से नए बाल उग रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब झड़ते हैं तो उसको उगना भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब होता क्या है हमारे साथ, दुख की बात तो ये है कि बाल तो झड़ रहे हैं, जा रहे हैं बाल, लेकिन वापस आ नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, चाहे वो हमारे खान पान में हो या फिर हो सकता है कि हमारे स्कैल्प में इन्फेक्शन लग गया हो। स्कैल्प मतलब ये जहाँ पर आपका सर है ना, बाल जहां से उगता है, ये जो व्हाइट व्हाइट सा दिखता है उसको हम स्कैल्प बोलते हैं। बाल बहुत ज्यादा रूखे भी हो जाते हैं, दो मुंहे भी हो जाते हैं, तो आखिर क्यों होते हैं, इसी को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली हम हेयर फॉल भी बोलते हैं और मेडिकल टर्म में एलोपेशिया बोलते हैं, ठीक है, इसको क्लियर है। अब समझिए बात को, बाल झड़ रहे हैं, 100 बाल झड़ गए, अब वापस नहीं आए, बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपका बाल झड़ेगा तो आपको कैसा महसूस होगा, बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि जो बाल है वो वापस से नहीं आ पाते ना उतने तेजी से, जितने तेजी से जाते हैं उतने तेजी से वापस कहाँ आते हैं। जब बाल झड़ करके हमारे हाथ में आते हैं तो ऐसा फील होता है, मुझे भी होता है कि पूरा कलेजा ही बाहर आ गया है, क्योंकि अब ये तो जा रहे हैं, अब वापस तो नहीं आने वाले। तो पुरुषों को ये बहुत दिक्कत होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या फिर नशा करते हैं, कम उम्र में लड़कों को बहुत ज़्यादा बाल झड़ने की समस्या होती है। दूसरा, जब आपको बाल झड़ेगा तो आपको कैसा फील होता है, कभी कभी स्कैल्प में खुजली भी होती है, तो वहाँ पर हम ऐसा मानते हैं कि शायद इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर कभी कभी जू हो जाता है बाल में, उसकी वजह से भी फिर बाल झड़ने लगते हैं। तो बालों की सफाई भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभार हम ऐसे शैम्पू का उपयोग कर लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मेरे बाल को, आपके बाल को, हम सबके बाल को ड्राई कर देते हैं, बहुत रूखापन आ जाता है बाल में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब बाल में नेचुरली जो उसका ऑयल होता है और फैटी एसिड्स होते हैं वो जब निकल जाते हैं तो बाल काफ़ी ज़्यादा रूखा हो जाता है और फिर उसके बाद वो दोमुहा होने लगता है। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम है, औरतों में भी है, अक्सर औरतों में, कि बाल की लंबाई ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि बाल बीच में से ही थोड़े से बड़े हुए, फिर दोमुहा हो गया। तो उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है। अब ड्राई क्यों रहता है, पहला कारण तो हम ये मानते हैं कि ये अनुवांशिक हो सकता है, इसका मतलब है जेनेटिक। अनुवांशिक हम इसलिए मानते हैं क्योंकि किसी के सर पे बहुत ज़्यादा बाल है, किसी के सर पे कम बाल है, किसी के बाल का जो मोटाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, किसी का पतला है। जैसे मेरा है नॉर्मल बीच बीच का, लेकिन मेरे सर पे बाल है। अब किसी किसी में क्या होगा कि बाल जन्म से ही बहुत कम होगा, तो ये गुण जो है, ये जो बाल है, ये मम्मी पापा की देन होती है, पहला तो ये हो गया। अब किसी बच्चे को अगर कम बाल है तो जाकर के आप मम्मी पापा से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि उनकी वजह से आपके बाल जो है वो सर पे कम है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि जब बाल झड़ते हैं तो कहीं कहीं से बाल गिर जाते हैं, मतलब स्कैल्प कहीं कहीं से आपको खाली सा दिखेगा, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये सोचना है कि हो सकता है शायद वो फंगल इन्फेक्शन है। तो दूसरा कारण हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी आपके बाल झड़ जाते हैं। अब तीसरा क्या हो सकता है, लड़कियां बहुत ज़्यादा अपने बाल में क्रीम लगाती हैं, जेल लगाती है, बॉयज़ भी लगाते हैं, लेकिन जो हेयर स्ट्रेट करने की जब बारी आती है तो गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा आगे है। बाल को एकदम स्ट्रेट करके रखना है, बाल में अलग अलग तरह के ब्लीच करवाने हैं, कहीं कहीं से हाईलाइट करवाने हैं, उसकी वजह से भी आपके बाल झड़ने लगते हैं। अगर आप प्रतिदिन हेयर स्ट्रेट करते हैं, मतलब उसको गर्मी मिल रही है, इसका मतलब है कि उसके जो प्राकृतिक नमी है वो फिर ख़त्म हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका बाल रूखा भी होगा और आपका बाल दो मुहा भी होगा, दोनों चीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी, ठीक है।
तो हीट की वजह से भी, साथ में खान पान सही नहीं है। खान पान देख लीजिए, आपको बर्गर अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, रोटी सब्जी कौन खाता है, तो उसकी वजह से भी बाल झड़ेंगे। हरी सब्जियां क्या होती है, हमारे हर चीज़ के डेवलपमेंट में वो सहायक होती है, और हरी सब्जियों की वजह से जब हमारा खून अच्छा होगा, जब हमारा बॉडी अच्छा होगा, तो इसका मतलब है कि हमारे बालों की ग्रोथ भी तो अच्छी होगी, हमारे नेल्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी, तो नाखूनों का बढ़ना भी अच्छा होता है और बालों का बढ़ना भी अच्छा होता है। तो जब आप हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, आजकल बहुत सारे लड़कियों में ये दिक्कत है कि वो हरी सब्जियों को देख करके नहीं नहीं ये नहीं खाना है, भिंडी नहीं खाना है, बहुत सारे लोगों को भिंडी नहीं पसंद, परवल नहीं पसंद, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उस कंडीशन में फिर वो जो इफेक्ट है वो आपके बालों पे पड़ेगा, तो आपको फिर वेजिटेबल्स खानी है। तो खान पान की वजह से भी ऐसा होने लगता है। पानी बहुत कम पीने की वजह से ऐसा होता है। पानी आपको उचित मात्रा में पीना है, बॉडी को 70% आपको चाहिए बॉडी को कि पानी रहे उसमें, लेकिन पानी की कमी से क्या होता है कि बॉडी ही जब डिहाइड्रेटेड हो जाएगा तो जो काम है आपके बॉडी का पहले वो तो हो, तभी तो आपके बाल बढ़ेंगे, तो पानी की वजह से भी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपके बाल और आपके जो चेहरा है उसमें आपका ग्लो कम हो सकता है। जब आप पानी पीते हैं तो आपको कब्ज की समस्या भी कम रहती है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही क्या होता है, बहुत सारी लड़कियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, काम कुछ नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन सोचना है, तो स्ट्रेस लेने की वजह से लड़कियां अक्सर या फिर औरतें अक्सर ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, उसकी वजह से भी बाल झड़ जाते हैं। तो स्ट्रेस भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ में अगर किसी को कैंसर की समस्या है, कैंसर जिसको भी होता है और जब उसका इलाज चलता है तो उसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं, ऐसा नहीं है कि कैंसर की वजह से बाल झड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, कैंसर के इलाज की वजह से बाल झड़ते हैं, तो उस इलाज को हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। में बहुत सारी दवाई, बहुत सारा थेरेपी किया जाता है। दूसरा क्या है, बहुत सारे लोगों का ये बहुत गंदा आदत होता है, बात बात पर आपको चाहिए कि डॉक्टर आपको लिख करके दे एक्सरे, क्यों दे सिटी स्कैन। बहुत बार एक्सरे और सिटी स्कैन करवाने की वजह से भी आपके बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि वो जो रेडिएशन है, वो जो तरंगे है, वो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो बार बार एक्सरे और आपका जो सिटी स्कैन है वो आपको नहीं करवाना चाहिए, इसकी वजह से भी आपके बाल झड़ते हैं। तो छठा कारण क्या हो गया, रेडिएशन थेरेपी। इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी हो रही होती है, जब एक लड़का बड़ा हो रहा होता है, तो बॉडी में कुछ हार्मोन्स के चेंजेस आते हैं। अब हार्मोन्स की वजह से ही बच्चे का विकास होता है, हार्मोन्स की वजह से ही बच्चे की हाइट बड़ी होती है, हार्मोन्स की वजह से ही ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, लड़कों में टेस्टीज बनते हैं, स्क्रॉटम बनते हैं जहाँ से स्पर्म निकलता है, पेनिस की डेवलपमेंट अच्छे से होती है, वहाँ के सभी सेल्स अच्छे से डेवलप करते हैं, तो हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं। लड़कों में दाढ़ी मूछ हार्मोन्स की वजह से आती है, लड़कियों की आवाज़ हल्की सी मीठी हार्मोन्स की वजह से होती है, लड़कों की आवाज़ में हल्का सा कर्कशपन हार्मोन्स की वजह से ही होता है। तो हार्मोन्स में जब थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है तो उस टाइम में आपको दिख सकता है कि आपके बाल झड़ते हैं, लेकिन ये नेचुरली है। अगर आप अपने खान पान पर ध्यान देंगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हार्मोन चेंजेस के कारण भी आपके बाल झड़ते हैं, हार्मोन्स चेंजेस के कारण, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, पोषण की कमी है किसी बच्चे में, कोई बच्चा नहीं खाता है, कोई बच्चा बचपन से ही बहुत ज़्यादा शैतान है, रोटी सब्जी उसको नहीं अच्छी लगती है, वो पालक नहीं खाता है, वो साग सब्जी नहीं खा पाता है, और वो बहुत सारे जो फल होते हैं उसको नहीं पसंद, उसकी वजह से उसकी बॉडी में पोषण की कमी हो जाती है, और पोषण की कमी से भी बहुत कम उम्र में उस बच्चे का जो है बाल झड़ने लगता है। तो यहाँ पर मैं माल न्यूट्रिशन भी ऐड कर दे रही हूँ। तो माल न्यूट्रिशन की वजह से भी आपके बाल झड़ते हैं। आपको दिख रहा है किन किन वजह से बाल झड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई एक कारण है जिसकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं, आपकी गलतियों की वजह से बाल झड़ते हैं। खान पान पे आपको ध्यान देना है, साथ ही पानी बहुत ज़्यादा पीना है। अब देखिए, जब भी बाल झड़ जाते हैं तो हम क्या करें, सबसे पहले जब भी कोई आपके पास पेशेंट आएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है उसके ब्लड में विटामिन और मिनरल्स कितना है, उसका टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा हम ये देखते हैं उसके बाल को खींच करके, उसको हम बोलते हैं पुल टेस्ट। क्या बोलते हैं, दूसरा पुल टेस्ट। अब बाल को क्यों खींचते हैं, पागल थोड़ी है जो बाल को खींचेंगे, बाल को खींच करके हम चेक करते हैं कि उसका जो जड़ है बाल कितने मजबूती के साथ सर में चिपका हुआ है, जड़ कितना मजबूत है बाल का, उसको हम बोलते हैं पुल टेस्ट। उसके अलावा और हम टेस्ट कर सकते हैं, साथ में हम क्या कर सकते हैं,
लाइट माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी हम कर सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, हम बालों को देखते हैं कि जो बाल है उसका आकार कैसा है, वो पतला है मोटा है, उसमें सही से नमी है या फिर नहीं है। साथ ही हम स्कैल्प बायोप्सी भी करते हैं। अब स्कैल्प बायोप्सी करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी बच्चे को, अगर किसी बड़े लोग को स्कैल्प में ये जो जड़ है ना सर का, अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो हम उसको टेस्ट कैसे करेंगे। हम उसको अच्छे से माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि वहाँ पर कौन सी इन्फेक्शन है। अब जब बाल का झड़ना किसी में जब शुरू होता है तो बाल कभी कभी बहुत कम झड़ते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। किसी किसी में क्या होता है कि बाल लगातार झड़ रहे हैं और एक महीने में इतना ज़्यादा पतला हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, उस कंडीशन में इन्फेक्शन हो सकती है। दूसरा, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, तो पहले हम उसके कारण को पता लगाएंगे कि आखिर उसके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, तभी उसके अनुसार से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक व्यक्ति को देखा, उसको अच्छा चलो बॉडी में विटामिन की कमी है तो आपने उसको जो दवाई दिया दूसरे को भी वही दवाई देना है, ऐसा नहीं है। किसी को हो सकता है कि विटामिन की कमी हो, किसी को हो सकता है कि इन्फेक्शन हो, किसी को हो सकता है कि ये मौसम की वजह से उसके बॉडी में थोड़ा बहुत खान पान में दिक्कत हो, किसी को हो सकता है कि सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से हो। तो बॉडी में चेंजेस होते हैं, हर एक व्यक्ति को टेस्ट करके जांच करके आपको तब दवाई देनी है। दवाई कौन सी हम देते हैं, अगर बाल ज्यादा झड़ता है तो हम विटामिन और मिनरल्स की हम टैबलेट देते हैं, जैसे कि हो गया आपका जिंक टैबलेट, हो गया सेलेनियम, हो गया मल्टीविटामिन टैबलेट्स, हो गया, तो हम ये टैबलेट देते हैं। दूसरा, हम क्या करते हैं, आप अपने खान पान को ठीक कीजिए और एक एक्सरसाइज होता है, उसका मुझे नाम अभी तो याद नहीं है, लेकिन उसमें आपको सर नीचे करना है, पैर ऊपर करना है और सांस को रोकना है, आंखों को बंद करना है जब तक आप सांस रोक सकते हैं, और सुबह सुबह खाली पेट होकर के आपको वो एक्सरसाइज करनी है, मतलब वॉशरूम से आकर के ही करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उठे और जस्ट आपने ब्रश किया और मुंह हाथ धोया बस एक्सरसाइज करना शुरू है, नहीं, सबसे पहले आपको टॉयलेट जाना है, उसके बाद जाकर के आपको वो वाली एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपका सर नीचे होगा, टोटली सर नीचे होगा और पैर ऊपर, मतलब सर के बल आप खड़े रहेंगे कुछ सेकंड के लिए जब तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैंने भी किया है और मुझे इसका रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने खान पान को ठीक करना है, जो भी फास्ट फूड है, जो भी तेल वाला चीज़ है उसको आप अवॉइड करें, हरी सब्जी साग सब्जी आप खाने की कोशिश करें कि आप घर में जो घी है आप वो खाएं, रिफाइंड ऑयल आप ना खाएं, उसकी वजह से आपके बॉडी में सुधार हो सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि अगर किसी लोगों का बाल चला गया तो हम हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाते हैं, लेकिन आजकल हेयर वीविंग भी आ रही है। क्या आ रही है, हेयर वीविंग, जिसमें सर्जरी तो नहीं की जाती है लेकिन बाल न्यू उससे आने लगते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप हेयर वीविंग की सहायता ले सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, जहां पर ज्यादा बाल है वहां से बाल लेकर के फिर जहां पर नहीं है वहां पर लगाया जाता है, लेकिन हेयर वीविंग में आजकल बिना सर्जरी के नए बाल उगाने की कोशिश की जाती है और ये बहुत ज़्यादा सफल भी है, बाल आते भी हैं। आपको क्या करना है, नेचुरली अगर बाल आपको उगाना है तो आपको जितने भी बाल बचे हुए हैं उसको ध्यान देना है, उस पर बाहर से आप एलोवेरा लगा सकते हैं, आंवला का पेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, एक आता है सतरीठा उसका आप कर सकते हैं, ठीक है, सतरीठा उसका आप यूज़ कर सकते हैं बाहर में पेस्ट लगा करके। साथ ही आप तुलसी का उपयोग कर सकते हैं, आप अपने चाय में डाल करके या फिर कच्चा आप तुलसी चबा सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। दूध वाली चाय आप ना पिए, क्योंकि ये आपके बॉडी में जा करके फिर गैस की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती है, गैस आपको ज़्यादा बनने लग सकता है, तो आप लाल चाय पिए, साथ ही उसमें तुलसी डाल करके आप पी सकते हैं, उसको हम काली चाय भी नॉर्मली बोलते हैं। आप ऐसा कोशिश करें कि कॉन्स्टिपेशन आपको ना हो, जब भी आपको कब्ज होगा आपका बाल बहुत तेज़ी से झड़ेगा, तो अगर कब्ज की समस्या है तो पहले कब्ज को आप ठीक करें, तब ऑटोमेटिक आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने यही सीखा कि बाल जो है आपका वो क्यों झड़ता है, क्योंकि बॉडी में प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां हैं जिसमें बाल झड़ने लगते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस चीज़ को ठीक करना है जिसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक बाल झड़ना बंद हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल जाते हैं और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी जानकारी चाहिए आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।